जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, बस रात में दो लौंग पर ये नाम पढ़कर तकिए के नीचे रखते ही आपको करोड़ों का मालिक बना देंगी। ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। बस दोस्तों, दो लौंग लेनी है और यह नाम पढ़कर तकिए के नीचे रखना है और आपकी किस्मत कैसे रातों रात बदलती है, कैसे आप किस्मत के धनी होते हैं, कैसे आप करोड़पति बनते हैं, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। परंतु यकीन मानो दोस्तों, आप ये चमत्कार खुद अपनी आंखों से देखेंगे और अपने साथ में देखेंगे। आपको ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको दो लौंग लेनी है और ये नाम पढ़कर आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। बहुत ही आसानी से आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आप चाहते हैं, वो सभी आपको प्राप्त होने वाला है। आप इतने सक्षम बन जाओगे कि आप दुनिया की हर खुशी अपने लिए खरीद सकोगे। दोस्तों, जो चाहते हैं वो आपके पास में होगा। अगर आप सच्चे हिंदू सनातनी भाई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ध्यान से सुनना, आपको किस तरीके से ये काम करना है और कौन सी विधि आपको अपनानी है, कैसे कैसे करना है, ये सारी जानकारी मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आप याद ना रख सकें तो आप इसे कहीं किसी कॉपी पर नोट कर लें। परंतु जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सही विधि से ही आपको करना है। कोई गलती आपको नहीं करनी है, तभी आपको इस उपाय का लाभ प्राप्त होगा। देखिए, आपको ये उपाय करने के लिए दो लौंग लेनी है। और आपको बताऊँ, ये उपाय बच्चे, जवान, बूढ़े, औरत सभी कर सकती हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि इसको कोई एक ही व्यक्ति कर सकता है। नहीं दोस्तों, इसे कोई भी कर सकता है, किसी भी समुदाय का व्यक्ति कर सकता है। बस आपको दो लौंग लेनी है और फिर देखना कैसे पैसा आपकी ओर चुम्बक की तरह खिंचाता है। अगर आप अपने लिए पूरी जिंदगी में मेहनत करते करते थक चुके हैं और गरीबी को दूर नहीं कर पाए और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहती है, तो ये जो नुस्खा है, ये जो उपाय है, आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए है। बस आपको ध्यान से सुनना, आपको इस उपाय को रात्रि को करना है, आपको बिल्कुल फ्री होकर। यानी कि अगर आप महिलाएं हैं तो पूरे घर का काम जब निपट जाए उसके बाद आपको ऐसा लगे कि अब आप सोने के लिए जा रहे हैं, उस समय आपको बेड पर बैठे बैठे यह काम करना है। आपको दो लौंग लेनी है और लौंग कैसी, जो कि फूल वाली होनी चाहिए। बिना फूल वाली लौंग खंडित मानी जाएंगी, तो उनका कोई भी उपाय जो आप करेंगे उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए फूल वाली लौंगों का प्रयोग आपको करना है। और इस बात का ध्यान रखना कि आप उन लौंगों को अपने सीधे हाथ पर रखना है। और आपको क्या बोलना है ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही आराम से धीरे से बताऊंगी, तो आप नोट करना आपको क्या बोलना है। आपको बोलना है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। यह मंत्र आपको तीन बार बोलना है। फिर इसे आप बोलकर, ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, इसे बोलकर आप इन लौंगों को तकिए के नीचे रख दे। फिर आपको बोलना है, जैसे आप सोने के लिए जाएंगे तब आपको बोलना है हनुमान जी का यह विशेष मंत्र। आपको बोलना है, ओम आंजनेय विद्महि वायु पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात। ये दोनों ही मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, यानी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, वहां से आप नोट करना। पर इन दोनों मंत्रों को सोने के बाद आपको अपनी इच्छा को तीन बार बोलना है और सो जाना है। और ध्यान रहे, ये उपाय आपको सोमवार की रात्रि को करना है। जैसे आप सोमवार की रात्रि को ये उपाय करेंगे और जैसे ही आप सो जाएंगे तो दूसरे दिन मंगलवार होगा। उस दिन आपको इन लौंगों को एक लाल कपड़े की पोटली में बांध करके आपको अपनी जो तिजोरी है वहां रखना है। और तिजोरी में रखते समय आपको बोलना है, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। ऐसे बोल करके आपको उस लाल कपड़े में बंधी हुई लौंगों को तिजोरी में रख देना। बस कुछ दिन का इंतजार आपको करना है, फिर देखना कैसे आपकी तिजोरी नोटों से भर जाएगी और आपके जीवन में जो धन की कमी चल रही है वो दूर हो जाएगी। और फिर दोस्तों, आपको कुछ दिन का इंतजार करना है और सब कुछ आपको अपनी किस्मत पे छोड़ देना है। कुछ ही दिनों में आपकी किस्मत आपके साथ होगी और आपकी किस्मत चमकने लगेगी। आपकी किस्मत की डोर भगवान के हाथ में है
और जिस विधि से वो आपको रखना चाहे उसे स्वीकार करना, और जिस तरीके से वो आपको धन देना चाहे उसे स्वीकार करना, और फिर देखना आपकी किस्मत कैसे चमकती है। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का उपाय बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान श्री राम का स्मरण अवश्य करें। यानी कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखती हैं जय श्री राम तो आपको भगवान श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है और आपके देखे हुए सपने पूरे होते हैं। जो इच्छाएं आपने संजो कर रखी है, जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, वो इच्छाएं भी आपकी पूरी होती हैं।